सबसे पहले तो मैं रंगरूट दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो लगातार हमें प्यार दे रहे हैं। उनके साथ और सपोर्ट की वजह से हमने 10,000 सब्सक्राइबर की सीढ़ी पार कर ली है। अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। बाढ़ हो या भूकंप, आपदा हो या उत्सव, युद्ध हो या त्यौहार, चुनाव से लेकर चौपाल तक हर जगह आपको हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग करते पत्रकार दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं पत्रकारों के जरिए हम तक खबरें पहुंचती हैं। फील्ड से रिपोर्टिंग करते या स्टूडियो में खबर पढ़ते पत्रकारों को देखकर बहुत सारे छात्रों ने जर्नलिज्म के फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल मन में है कि किस कोर्स में एडमिशन लिया जाए, किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए और इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज हम रंगरूट शो में लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो और मेरा नाम है फातिमा जहरा। कई दिनों से कमेंट बॉक्स में आप लोगों का ये आदेश आ रहा है कि बताइए जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं, तो आज हम आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, खोजी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। देश भर में जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन के ढेर सारे कॉलेज हैं जहां आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 12वीं के बाद या मास्टर्स में अंडर ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बीए इन जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता जैसे कोर्स कर सकते हैं। हालांकि इन कोर्सेज की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अब योग्यता भी जान लेते हैं। जर्नलिज्म में करियर बनाने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करके जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। जर्नलिज्म में बैचलर कोर्स 3 साल के होते हैं, मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो करीब 1 साल का होता है। इन कोर्सेज की फीस प्राइवेट कॉलेज में 60,000 से लेकर 1 लाख या उससे ज़्यादा हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में इन कोर्सेज की फीस 10,000 से 20,000 या उससे ज़्यादा प्रति वर्ष हो सकती है। अब उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान लेते हैं जहां से आप जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये दिल्ली में स्थित है। हालांकि IIMC सिर्फ पीजी डिप्लोमा की डिग्री देता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। यहां से आप मास्टर, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तीनों कोर्सेज में डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ये भोपाल में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के मन में पल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है कि आप जर्नलिज्म में कैसे करियर बना सकते हैं। देखिए, हमारा समय बड़ा अद्भुत सा समय है जब कास्टिंग के सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट कास्टिंग सिस्टम हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो, चाहे टेलीकास्टिंग सिस्टम हो, वेब कास्टिंग सिस्टम हो या ह्यूमन कास्टिंग सिस्टम हो। हम एक ऐसे समय में हैं जो साइमल कास्टिंग सिस्टम है। अब जो बच्चे समझना चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, तो प्रिंट कास्टिंग अखबार भी छप रहे हैं, मैगजीन भी छप रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास FM रेडियो है, आकाशवाणी है और भी रेडियो फॉर्मेट, नए नए ऑडियो की दुनिया बड़ी होती चली जा रही है, बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ रही है और इसी तरीके से टेलीकास्टिंग सिस्टम जहां टेलीविजन है और दूसरे फॉर्मेट, फिल्म की दुनिया, OTT और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इसी तरीके से वेब कास्टिंग सिस्टम जहां पर बहुत सारे एवेन्यूज हमारे सामने आ चुके हैं, अखबारों के वेब पेज आ चुके हैं, अखबारों के वेब ऐप जर्नलिज्म हमारे सामने आ चुकी है, अखबार के लोग अपने ऐप बना रहे हैं, टेलीविजन के लोग अपने ऐप बना रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी जर्नलिज्म वेब में भी आ गई है। लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर भी चाहिए, तो ह्यूमन कास्टर भी चाहिए जो कि अच्छे कम्युनिकेटर हो, जिनकी अच्छी भाषा हो, जिनके पास बोलने की क्षमता हो, शब्दों के उच्चारण हो, वाक्यों के प्रवाह हो, तो ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं।
अब जो विद्यार्थी जो युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि हम इन सब फॉर्मेट में या इनमें से कोई एक फॉर्मेट में जाने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम यह है कि वह अपने आसपास की दुनिया से अवेयर हो जाए। पूरा सबसे पहला काम करना होता है कि हम ये तैयारी करें कि हम कम से कम अखबार पढ़ें, कम से कम टेलीविजन को जरूर देखें, रेडियो को जरूर सुने, और वहां जो लोग बोल रहे हैं, वहां जो लोग लिख रहे हैं, वहां जो लोग दिख रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। मीडिया का क्षेत्र ऐसा है जिसकी प्रयोगशाला आपके अपने घर में है। लैब जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे घर पर है। अब दूसरा जो लिखने का काम इसमें है, जो लिख ले गया, जो पढ़ेगा वो रचेगा, जो रचेगा वो बचेगा, जो बचेगा वो टिकेगा और बिकेगा दुनिया में। जाहिर सी बात है कि हमें पढ़ने के साथ साथ हमें लिखने का भी, तो हमारे पास शब्दों की क्षमता बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। देखिए, देश के लगभग सभी बड़े विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म की पढ़ाई अब हो रही है। ये हमारे यहाँ भारत में 1960 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन आते आते हम जब आ गए हैं आज 2022 में, हम ये कह रहे हैं कि आज कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई ना हो रही हो। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि एक ही क्षेत्र नहीं रहता। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्वे सर्वे कराते हैं, चाहे वो आप देखें, चाहे वो एग्जिट पोल करा रहे हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल करा रहे हैं, वहां भी मास कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है। या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कंज्यूमर रिलेशनशिप ऑफिसर रखे जा रहे हैं, जहां पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखे जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, केवल अखबार, टेलीविजन, रेडियो या वेब ही नहीं है, आज इतने सारे आज आज इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर बहुत सारे कम्युनिकेटर्स को रख लिया जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे समय बदलता चला जा रहा है, मैंने कहा ना, IIIT जैसे क्षेत्र हम मीडिया में अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, इतना बड़ा होता चला जा रहा है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया, PRO की दुनिया, मीडिया के विभिन्न फॉर्मेट्स की दुनिया, बहुत सारी सरकार, तो आज विश्वविद्यालयों में इस कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। हमें विद्यार्थियों को ये चाहिए कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को जांचना, अपनी अपनी रुचियों को जानना कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप अपने माता पिता से कहते हैं कि हम तो लॉ पढ़ेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, जब आप कहते हैं कि मीडिया पढ़ेंगे, तो आप पहले से जाने रहे हैं कि आप क्या बोलने में माहिर हैं, क्या आप शूट करने में या बहुत सारे दृश्यों को पकड़ने में माहिर हैं, कंपोजिशन करने में माहिर हैं। तो आप अपनी क्षमताओं को जान लें, फिर उसके हिसाब से विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रमों को देखें कि किस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मेरे मेरी इच्छाओं की, मेरी रुचियों की, मेरी क्षमताओं की पूर्ति कर सकता है, और उस पर काम करें। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर जो पाठ्यक्रम चलते हैं, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम मीडिया के सारे फॉर्मेट्स को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या मीडिया को बेहतर ढंग से जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, जो लिखना सिखा रहा है, बोलना सिखा रहा है, टेलीविजन भी सिखा रहा है, रेडियो भी सिखा रहा है। तो ऐसे 3 साल का जो ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम है, उसे हमें चूज करना चाहिए, चयनित करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो हम स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक हो जाएं, क्या क्या हम एडवर्टीजमेंट में जाना चाहते हैं, क्या हम पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हैं, क्या हम टेलीविजन में जाना चाहते हैं, क्या हम हिंदी जर्नलिज्म में, अंग्रेजी जर्नलिज्म में, रेडियो में। तो सबके कोर्स स्पेसिफाइड विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं। तो हमें ये विद्यार्थी ये चयन कर सकते हैं कि कौन सी रुचि का, हमारी रुचि को कौन पूरा कर रहा है। आज बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनमें जाकर आप इन पाठ्यक्रमों को कर सकते हैं। हमें देखना होगा, जब ये विजिट भी करें, कि कौन से विश्वविद्यालय हमें, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, कौन से विश्वविद्यालय हैं जो, अब हम अपने बच्चों को यहाँ पर, जब हम अपने विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो हम अपने बच्चों को बहुत सारा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें उन चीजों से, टेक्नोलॉजी से भी जोड़ें, समाज से भी जोड़ें, लोगों से भी जोड़ें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो सीधे सीधे जनसंवाद करती है। अगर जनसंवाद, जहां हम कहते हैं जन संचार, जनसंवाद जैसे शब्द अगर कहीं साकार होते हैं, तो केवल हमारे
मीडिया में ही हो पाते हैं। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करते हैं जो जनसंवाद कर पाने में माहिर हो, चाहे वो जनसंवाद फोटो के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो रहा हो। हम उस जनसंवाद में चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, तो हम उसमें कैसे माहिर हो सकते हैं, ये विद्यार्थियों को देखने की जरूरत है। आई होप एक्सपर्ट्स की बात सुनकर आपको करीब से समझ आ गया होगा कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो अच्छे से दूर हुए होंगे, और ये भी समझ में आया होगा कि जर्नलिज्म में करियर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप लेना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आपसे मैं लेती हूँ विदा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lalantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।